हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस चैनल। आज का जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पश्मीना प्रोडक्ट रिसीव BIS सर्टिफिकेशन। सो बेसिकली इसका अभी न्यूज में इसलिए है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज पब्लिश्ड एन इंडियन स्टैंडर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन मार्किंग एंड लेबलिंग ऑफ द पश्मीना प्रोडक्ट्स टू सर्टिफाई इट्स प्योरिटी सिग्निफिकेंस एंड the need for certifications. The certifications will help cause the alteration of Pashmina, protect the interest of the local artisans and nomads who are the producers of Pashmina raw materials, assure the purity of Pashmina for the customers, discourage the counterfeit or substandard products presently mislabeled and sold as genuine Pashmina in the market. Okay, motivate the young generation to continue in this profession, as well as encourage more families to take up this occupation. Basically अभी क्या है ना, Bureau of Indian Standard ने publish किया है कि जो Indian Standard for the Identification जो होता है वो marking and labeling होता है Pashmina product को satisfy किया its purity. एक्चुअली क्या है, उससे पहले क्या होता था ना, जो खराब वाला या प्योर नहीं है ठीक है वो दे देते थे ठीक है मटेरियल्स में। तो अभी ये क्या एक ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड ने पब्लिश किया कि ये प्योरिटी देगा ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका ना, सर्टिफिकेशन विल हेल्प बैक और द अल्टरेशन ऑफ पश्मीना ठीक है। सो ये क्या करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा लोकल आर्टिसंस एंड नोमाड्स हू आर प्रोड्यूस द पश्मीना रॉ मटेरियल्स ठीक है। और क्या करेगा ना, मोटिवेट करेगा यंग जनरेशन को कि इस जो प्रोफेशन है ये अच्छा प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में जाना है, और उसका फैमिली जो है तो उनको ये जो ऑक्यूपेशन है पश्मीना प्रोडक्ट को ये करने का निकलने का, तो रॉ मटेरियल को निकलने के लिए तो इसको गवर्नमेंट अभी पुशअप कर रहा है ठीक है। सो बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, नोमैडिक पश्मीना हर्डर्स लाइफ इन होस्टाइल एंड थ्रो द टेरेन ऑफ द चंगथंग एंड आर सोलली डिपेंडेंट ऑन पश्मीना फॉर देयर लाइवलीहुड। एट प्रेजेंट देयर आर द 2400 फैमिलीज रियरिंग द 2.5 लाख गोट्स। सो बेसिकली यही है बैकग्राउंड यही है ठीक है। नोमैडिक जो नोमैडिक पश्मीना हर्डर्स है वो क्या है, बहुत कठिन जीवन यापन करते चंगतंग में ठीक है। और सो बेसिकली दे वो लोग क्या है ना, पश्मीना के ऊपर ही डिपेंड करते ठीक है। वो फिलहाल अभी 2400 फैमिलीज है। सो अबाउट द चंगतंगा और पश्मीना गोट ठीक है। सो बेसिकली इट इज ए स्पेशल ब्रीड ऑफ द गोट। ये एक स्पेशल गोट है इंडिजिनस टू द हाई अल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। एक्चुअली क्या है, ये जो लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत वेरी लो है, तो उस एरिया में ये सर्वाइव कर सकते हैं गोट जो है ठीक है, हाई अल्टीट्यूड में रह सकते हैं। दे आर रेज्ड फॉर द अल्ट्रा फाइन कैश्मीरी वूल दैट इज नोन एज द पश्मीना वन सोवेन। तो बेसिकली इन्हीं से ही निकलता है पश्मीना जो वूल है ठीक है। सो देन दीज गोट्स आर जनरली डोमेस्टिकेटेड एंड रियर्ड बाय द नोमैडिक कम्युनिटीज कॉल्ड द चंगपा इन द चंगतंग रीजन ऑफ द ग्रेटर लद्दाख ठीक है। सो द उसके बाद क्या है, द चंगतंगी गोड्स हैव रिवाइटलाइज द इकोनॉमी ऑफ द चंगतंग लेह लद्दाख। तो बेसिकली जो लेह लद्दाख का चंगतंग है वो ओनली डिपेंड अपन द दिस वन, दिस इज द पश्मीना गोट ओके। सो अबाउट द BIS के बारे में देख लेते हैं। ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड जो है इट इज ए नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ द इंडियन इंडिया वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज एस्टैब्लिश बाय द ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द BIS इन एक्स ऑफिस को प्रेसिडेंट ऑफ द BIS। कॉम्पोजिशन क्या क्या है इसका जो है कॉर्पोरेट बॉडी, इट हैज 25 मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्री साइंटिस्ट रिसर्च एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो वर्क एज द WTO TBT इंक्वायरी पॉइंट फॉर द इंडिया ओके। तो BIS के बारे में यही है।
सो ये क्या है, नाविया जो है ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, ठीक है। ये किसके अंडर, मिनिस्ट्री अंडर आता है, तो ये कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का अंडर आता है। इसका कंपोजिशन हो गया, ये कॉर्पोरेट बॉडी है, इसमें 25 मेंबर्स रहते हैं। वो जो 25 मेंबर है वो कहाँ से आते हैं ना, सेंटर एंड सेंट्रल और क्या स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं। तो वो कौन सा साइड से आते हैं ना, इंडस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।